पढ़ो। अस्मारा वो नाश्ता बन गया, करती हुई जाओ। अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूंगी। जब देखो अस्मारा अस्मारा अस्मारा, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। क्यों, तेरे खुद के हाथ टूटे हुए हैं क्या? और ना ही तेरे लिए यहाँ नौकर बैठे हैं, खुद उठकर बना लो। तुम नहीं सुधरोगी फरवा, तुम तैयार है ना? आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगी, फिर हम अर्शी के घर चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। अर्शी की भी क्या जिंदगी है ना, हार्ड पार्ट वाली। अब तो सुना है कि फुप्पा ने बड़ा घर ले लिया है। माशाल्लाह, ये ले खा मर। अब तुझे अर्शी का दुख खाने लग गया। जा रही है ना अपनी अमीरजादे के पास, वहां जाके ऐश करना। और खुदा के लिए ये दूसरों की जिंदगियों को हसरत से देखना छोड़ दो। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हर हफ्ते आया करूंगी और ढेर सारी चीजें लाया करूंगी। फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा और ना ही चोरी करनी पड़ेगी। तेरे अब्बा ने कहा है कि तुझे रुखसत करने के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, रखना सब कुछ अपने पास। तूने जितना जलील करवाना था ना हमें करवा लिया। तेरी वजह से वो जो फितना तेरी ताई है और मीसनी फुफी, उसने जितनी बातें मुझे सुनाई ना, तेरी सोच होगी। पर क्या कहना उन्हें जब घर का बर्तन ही खराब निकले तो। अम्मा मुझे जहेज भी नहीं दोगी? जहेज ही नहीं दोगी? तेरे जैसी भगोड़ियों को ना लानते मिलती हैं, जहेज नहीं मिला करते। जहेज नहीं दोगी? ए फरवा, जा बासित की दुकान से पत्ती ला दे, चाय नहीं पियूंगी तो सारा दिन सर में दर्द रहेगा। अम्मा आप बासित की दुकान पे मुझे उधार लेने मत भेजा करें, हमेशा मुझे ही भेज देती हैं। इसलिए कि तू छोटी है इस घर में, और किसको भेजूं? वो तेरे माजूर अब्बा को। अम्मा मैं कोई छोटी मोटी नहीं हूँ अब, और वो बासित एक नंबर का बदतमीज इंसान है वो। अरे काहे का बदतमीज? उस बेचारे का ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, थोड़ा हंसमुख है, मजाक कर लेता है। तो चल दफा हो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और सुन, ये ठूस कर ना किचन में रखे बर्तन, वो धो देना। अकेले थोड़ी खाऊंगी। तुम भी खाओगे? मुझे नहीं खाना कुछ, मैं खिला देती हूँ, फिर तो चले ही जाना है। मैंने आ करो आ, अच्छा पानी ले आओ। अच्छा पानी खुद लेकर आओ, पानी ला दो ना। अच्छा खा लो। आज ही जिक्र कर रहा था कि इतने अरसे से जीनत नहीं आई, अपनी छोटी बेटी को भेज देती है। मुझे पता है बासित, बहुत ज्यादा उधार चढ़ गया। दरअसल ना अगले महीने की 10 तारीख को बड़ी बेटी की शादी करनी पड़ रही है, इसलिए ना। तू वैसे मुझे ये बता कि तू मुझे बाजी या आपा क्यों नहीं कहता? तू आज भी इस उम्र में पूरी कातिल हसीन है। हाँ? वो तेरा माजूर बुड्ढा नहीं तुझे कहता क्या? अरे वो तो मेरे साथ सीधे मुंह बात तक ना करे, तारीफ करे तो मौत ना आ जाए उसे। बहुत खूबसूरत है तू। तू है बहुत ही कमीना। देख मेरे साथ ना ऐसा मजाक मत किया कर। अरे अब काहे की खूबसूरत, अब तो बुढ़ापा आ गया। कौन सा बुढ़ापा, अभी भी जवान हो। शाकिर जी। बस भाई जीनत के लिए जाकर एक ठंडी सी दूध की बोतल लेकर आ, जबरदस्ती जा। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, पहले गला खराब है मेरा। अरे तो वो क्या खाएगी? कुछ नहीं, बस दिल ही नहीं चाह रहा। फिर ऐसा कर, जाके मलक की जबरदस्ती फ्रूट चाट ले आ जीनत के लिए, जा भाग के जा। हाय हाय वासित क्या बताऊं, घर के खर्चों ने ना परेशान कर रखा है, इसी वजह से ना घर से भी निकलने को दिल नहीं चाहता। परेशान क्यों होती है? ऐसी प्यारी सूरत मुरझा जाएगी, देख इसको अपनी दुकान समझा कर, जो चीज चाहिए हो करे आके ले जाया कर। अरे कैसे ले जाऊं, पहले इतना उधार चढ़ा है सर पर। खाते में नहीं लिखूंगा, बस मुस्कुरा लिया अगर मुझे देखकर। बहुत ही एक नंबर का कमीना है तू, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। या फिर कर दे किलो चीनी और एक पत्ती का डब्बा कर दे। अभी लाया, अभी लाया।